सुही व्हाट्सअप गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नई रो पीरो वॉइस टनोली गेम प्ले वीडियो के अंदर। और आज के इसलिए वीडियो में आपको बताने लगूँ कि कैसे आप रो पीरो वॉइस टनोली खेल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, बोले तो मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हो इसलिए गेम को, कि बहुत सारे बंदे कमेंट थे, बहुत सारे बंदे पूछे थे भैया कुछ ऐसा बताओ जिससे हम लोग रो पीरो वॉइस टनोली खेल सकते अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि आपको तो पता है ये अपने एक जीटी सा गेम है और जीटी जैसा सेम टू सेम है और ये वाला गेम सबका फेवरेट है। हालांकि मेरा भी फेवरेट है और मैं भी कुछ दूसरी गेम काफ़ी ज़्यादा खेल रहा हूँ और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। और गेम में बहुत कुछ मिलता है, जैसे गन हो गया, अपना सुपरमैन कपड़ा हो गया, पुलिस आते हैं, मतलब लिटरली आप हर एक मतलब ओपन वर्ल्ड जैसा मतलब वॉइस सीरीज जैसा मजे कर सकते हो इसलिए अपने रो पीरो वॉइस टाउन के अंदर। अब बात रहेगा इस एक चीज़ का इशू है जो कि अपने गेम के अंदर मल्टीप्लेयर आप नहीं खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर ऑप्शन नहीं मिले देखने के लिए। बट गाइज आज के इसलिए वीडियो में आपको वही बताने लगूँ कि कैसे आप लोग खेल सकते हो भाई लोग अपने रो पीरो वॉइस टाउन गेम के अंदर मल्टीप्लेयर, अपने फ्रेंड को कैसे ऐड कर सकते हो, आज मैं आपको वही बताने लगूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल बस इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग अगर बात करें गेम के बारे में तो गाइस ये एक अपना ओपन वर्ल्ड गेम है, मतलब इसमें बहुत कुछ मिलता है आपको देखने के लिए, अपना खुद का घर मिलता है आपको, एक आपको मिलता है टिप्सन और मतलब इसमें काफी अच्छे फीचर आते हैं। जैसा कि आप देखते हो ये अपनी होटल है और होटल के हम लोग अंदर आके यहाँ पे बहुत पार्टी शार्टी भी कर रहे हैं। तो गाइस ये गेम काफी सही है और बहुत सारे बंदे का ये गेम फेवरेट भी है। बट गाइस अपने गेम के अंदर कोई भी ऑप्शन मिलता है देखने के लिए मल्टीप्लेयर का या फिर कोई भी ऑप्शन मिलता है फ्रेंड को ऐड करने का, हालांकि इस ऑप्शन तो बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि आप गन पर्च कर सकते हो, सुपरमैन सूट पर्च कर सकते हो, हल्का पर्च कर सकते हो, आयरन मैन कपड़ा ले सकते हो, मतलब बहुत ऑप्शन मिलते हैं। बट गाइस अपने गेम के अंदर कोई भी ऑप्शन मिलता देखने के लिए आपको मल्टीप्लेयर का या फिर फ्रेंड ऐड करने का। तब आप सोचो कैसे हम लोग खेल सकते हैं अपने रो पीरो वॉइस टाउन के अंदर मल्टीप्लेयर, अपने दोस्त को कैसे ऐड कर सकते हैं इसलिए गेम के अंदर। तो भाई लोग देखो अपने गेम के अंदर जो गेम डेवलपर है इसके अंदर कोई भी फीचर अभी तक ऐड नहीं किया मल्टीप्लेयर खेलने का। बट गाइज रुको जरा सबर, मैं अभी आपको बहुत कुछ बताने लगूं। तो गाइस आपको तो पता है हमारे गेम के अंदर काफी सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो काफी अच्छा गेम प्ले और इस गेम का सबसे बेहतरीन लगता है जो ग्राफिक एक नंबर है। गेम के डेवलपर इस गेम को काफी तरीके से डिजाइन किए और काफी अच्छे खासे इसमें फीचर डाले हैं। तो गाइस मान लो अगर इस वाले गेम को मल्टीप्लेयर ये गेम हो भी जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि गाइस ये एक तो बिग सिटी है, मतलब एक तो बड़ा सिटी है और इस सिटी के अंदर अगर आप दो तीन बंदे आराम से खेलोगे तो काफी अच्छा रहेगा। और दो तीन बंदे क्या बहुत सारे बंदे अगर इसमें ऐड हो जाते हैं तो आप इस वाले गेम में तबाही मचा सकते हो और काफी मजे कर सकते हो, मतलब लिटरली मतलब पबजी जैसा और फ्री फायर जैसा आप मजे कर सकते हो अपने रो पीरो वॉइस टाउन के अंदर। अब बात रहेगी इस कैसे हम खेल सकते हैं इसलिए गेम के अंदर रो पीरो वॉइस टाउन के अंदर अपने दोस्त को कैसे ऐड कर सकते हैं। सो गाइस देखो इसका कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है, बट गाइस अपने गेम के अंदर हर मंथ या फिर एक दो मंथ के बाद अपडेट आता रहता है। तो इस करना कुछ नहीं, आपको जितना हो सके डिमांड करना है अपने गेम के डेवलपर से, तभी हमें रो पीरो वॉइस टाउन के अंदर ऐड हो सकता है मल्टीप्लेयर या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो इसलिए गेम एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस देखो हम लोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, गेम के डेवलपर को इसलिए गेम को ऑनलाइन करना पड़ेगा और उसके बाद ही गेम के अंदर ऐड हो सकता है मल्टीप्लेयर। बट गाइस अगर मल्टीप्लेयर ऑप्शन ऐड होता तो काफी मजा आएगा, क्योंकि अपने फ्रेंड के साथ खेलने में काफी मजा आता है, क्योंकि लिटरली अगर आप अकेले खेलते हो ये गेम को तो काफी मजा आता है, बट अगर आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो तो वैसे तो और मजा आएगा। तो गाइस देखते हैं कब ये गेम को अंदर मतलब गेम के अंदर मल्टीप्लेयर ऑप्शन ऐड होता है। आई होप जल्द ही इसलिए गेम के अंदर आ जाए मल्टीप्लेयर ऑप्शन या फिर कोई ऐसा फीचर आ जाए जिससे आप अपने फ्रेंड को ऐड करके खेल सकते हो। हालांकि जो गेम के अंदर काफी अच्छे ग्राफिक है और काफी अच्छे फीचर मिलते हैं, मतलब ये लिटरली गाइस जीटीए का मजा देता है इसलिए, मतलब ये गेम अगर खेलते हो तो जीटीए मतलब अगर आप जीटीए खेलो या फिर ये खेलो मतलब सिमिलर लगता है, तो काफी मजा आता है। तो गाइस देखते हैं कब हमारे गेम के डेवलपर इस गेम के अंदर देते हैं अपडेट और अपडेट के अंदर आई होप दे कुछ ऐसा ऑप्शन जिससे हम लोग अपने फ्रेंड को ऐड करके खेल सकते हैं अपने रो पीरो वॉइस टाउन के अंदर। और जैसा कि आप देखते हो ये अपने रो पीरो वॉइस टाउन की सिटी है और टिप्सन नीचे काफी मजा आता है ये लोग गेम खेलने में। आप लोग कमेंट कर बताना क्या ये गेम कैसा आपको लगता है और क्या आप भी चाहते हो अपने गेम के अंदर ऐड हो जाए मल्टीप्लेयर ऑप्शन या फिर कोई ऐसा फीचर आज जिसे हम लोग खेल सकते हैं फ्रेंड को ऐड करके पबजी या फिर फ्री फायर जैसा, कमेंट जरूर बताना। बाकी दोस्तों आज के इसलिए वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।